हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक अक्सर इसका प्रूफ पूछा जाता है कि बताइए कैसे रेट जो है या रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंडेंट है टाइम के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। उसका डेरिवेशन हमेशा आता है, बट अभी देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने के लिए मुझे एक रिएक्शन पता होना चाहिए, कौन सा रिएक्शन है। मान लो कि ये ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है। ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका जो कंसंट्रेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि ए का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट दिया जाता है, इसको के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बोला जा सकता, बोल सकते हैं। अब ये के जो है एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं, जो फॉर्मूला प्रूफ करके भी दिखाया था, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुका है, हम आज इसको नहीं देखेंगे। ये जिस इतना जान रहे हैं कि के क्या है, एक रेट कांस्टेंट है, बट तब देख क्या रहे हैं कि वेरिएशन क्या, रेट और ए के कंसंट्रेशन का क्या वेरिएशन है, कैसे चेंज कर रहा है। मान लो कि ये वाई है और के क्या मान लेते हैं, एम, और ये क्या मान लेते हैं, एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स का क्या है, एक ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहें, एक्स की जगह पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दिया, और वाई की जगह पे क्या है, रेट, वाई की जगह पे क्या डाल दिया, रेट डाल दिया। ठीक है, अब देखो y is equal to ms का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्यों, y is equal to ms का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन किसका है, y is equal to ms का ग्राफ। इसलिए rate is equal to ka का कंसंट्रेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्लास 12th के पेपर में, चाहे सीबीएसई हो, कि रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट और कंसंट्रेशन के साथ कैसा ग्राफ बनता है। तो क्लियर हो गया, रेट और कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब डेरिवेशन देखते हैं कैसे टाइम के साथ रेट कांस्टेंट क्या है डिपेंड करता है। देखते हैं उस डेरिवेशन को। दो क्या है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे माना क्या है, ए कंसंट्रेशन इसका क्या है, ए का कंसंट्रेशन क्या है, या ए मोल है, क्या है, ए जो है ए मोल है, और जो इनिशियल रखा है कंटेनर के अंदर टाइम क्या है, जीरो है, तो सिर्फ ए मोल, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे रिएक्शन शुरू होगा। जब रिएक्शन शुरू होगा तो ए का कंसंट्रेशन धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा, और घटते घटते मानो कि एक्स कंसंट्रेशन इसका घट गया। अगर ए का टी इज इक्वल टू टी समय के बाद कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गया, इसका मतलब एक्स कंसंट्रेशन क्या है, घटा है। अगर एक्स कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटा है तो कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब ये एक्स प्रोडक्ट की तरफ बन जाएगा। इसका मतलब ये कि रेट जो है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए था। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब एट टी इज इक्वल टू टी पे रेट जो होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे है रेट। तो टाइम जैसे देख क्या है कि ये डी एक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसी को तो रेट बोलते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट जो है वो इस एक्स पे डिपेंड कर रहा, जितना ज्यादा एक्स बनेगा चेंज होगा वैसे क्या होगा, रेट भी चेंज होगा। तो रेट जो है के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स के, इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करने के लिए अगर करना होगा इंटीग्रेशन, तो डी एक्स जो है इसी डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे एक्स है, वेरिएबल को एक डायरेक्शन में लेके आ गए, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू के इंटू डी टी। आप दोनों तक इंटीग्रेशन करना कर दे, जैसे दोनों तक इंटीग्रेशन करेंगे कि ये क्या 1 बाई एक्स के फॉर्म में है,
तो 1/x का जानते हैं हम, जानते हैं क्या 1/x का जो होता है डिफरेंशिएशन ना ln x, क्या होता है ln x, यहाँ पे 1/a-x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ln x, बट यहाँ माइनस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसलिए ये जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा माइनस साइन ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस, और ये के और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। अगर टाइम जीरो था इनिशियल कंडीशन क्या है, इस c को निकालना, मुझे इस c को निकालने के लिए क्या लिखेंगे इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है इनिशियल कंडीशन ना, इनिशियल कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन में क्या है कि अगर t इज इक्वल टू जीरो था तो x का कंसंट्रेशन क्या था जीरो था, यहां पे लिख दिया x का कंसंट्रेशन जीरो, तो यहां पे पुट करते माइनस ln a x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और k और t इज इक्वल टू भी क्या है जीरो, इसका c का वैल्यू जो होगा माइनस ln a, c का वैल्यू क्या है माइनस ln a, इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं इस c को यहां पे पुट कर देते हैं, तो c को अगर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह से दिखेगा मुझे, क्या माइनस ln a माइनस एक्स के टी, और प्लस सी की जगह पे माइनस ln a, प्लस सी की जगह पे क्या होगा माइनस ln a, माइनस ln a लिख दिया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ln को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं log में, जब भी ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अगर log में कन्वर्ट हो गया माइनस लॉग, ये माइनस साइन यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या होगा 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या होगा लॉग ए में कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक, जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये निगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2.30 पॉजिटिव में आएगा, 303 लॉग ए माइनस ये वाला, ये क्या है 2.303 लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ये के टी है, ठीक है। तो ये 2.303 यहाँ पे भी है, 2.303 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ला के क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2.303 कॉमन ले लेते हैं, तो लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के, और के टी, टी कहीं छूट रहा है के टी, हाँ ये के टी, ये क्या है के टी, ओके। अब क्या करते हैं log log a माइनस log b, log a माइनस log b का जो फॉर्मूला होता है log a by b, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या log a by b की जगह लिख सकते हैं a माइनस x, और ये kt, और ये मल्टीप्लाई में था इधर क्या होगा डिवाइड में होगा 2.303, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kt इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अक्सर जो क्या करते हैं ये फॉर्मूला याद करना आसान है, kt इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पे a क्या है, a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल क्या है कंसंट्रेशन है, या इनिशियल मोल, इनिशियल मोल है, और a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग, रिमेनिंग मोल है, और x के अब a माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग मोल है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और बार बार ये डेरिवेशन पूछा हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ को जानने के लिए मुझे समझना होगा हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है वह टाइम जहां पे कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, जहां पे कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, मतलब ये पहले जो कंसंट्रेशन ए था, ए से ए बाय टू होने में जो टाइम लगता है वही कहलाता है हाफ लाइफ, वो कहलाता है हाफ लाइफ कहलाता है। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखें, हाफ लाइफ ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ टाइम देखना, मतलब कि वह टाइम जहां पे ए कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाता होगा, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा। कब? जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो ए बाई टू हो जाना चाहिए, जो यही तो है के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस ए बाई टू। तो ये टी हाफ इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन जो खर्च हो रहा था वो पहले एक्स था, अब इसको क्या करना है ए बाई टू, पहले कंसंट्रेशन ए था उससे क्या होगा वो हाफ हो गया, इसलिए टी हाफ यहाँ लिखा और एक्स को क्या कर दिया ए बाई टू कर दिया, ठीक है। इसलिए के टी के इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग, यहाँ से क्या होगा ये ए अपॉन ए बाई टू, ए कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 2.303 लॉग 2 के टी हाफ। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं 2.303 लॉग 2 को लिख सकते हैं हम के टी हाफ इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.693, इसलिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। एक चीज यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं की मैंने, यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो t हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो t हाफ में कोई चेंजिंग नहीं करता है। मतलब क्या, नहीं समझ में आया बात, देखो क्या होता है इसका मतलब, मान लो पहले तुम्हारे पास 10 मोल था, उसका हाफ होने में मान लो 2 मिनट लगा, 2 मिनट मतलब क्या हाफ हो गया 5 मोल हो गया। अब इसका फिर हाफ होगा तो अभी भी 2 मिनट ही लेगा, क्योंकि ये मोल इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है इससे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि रेट कांस्टेंट तीनों रिएक्शन के लिए वही है, रेट कांस्टेंट जो यहाँ से यहाँ है यहाँ से यहाँ है इसके बाद यहाँ, रेट कांस्टेंट तो वही है, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा है, तो इनिशियल क्या कंसंट्रेशन इस पर निर्भर नहीं करता है, चाहे जितना भी तुम कंसंट्रेशन लो या जितना भी मोल लो उस सारा का सारा जो मोल हाफ होने में उस सेम टाइम लेता है, इसलिए कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है टी हाफ, ठीक है। ये तुम्हारा टी हाफ और केटी के साथ रिलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।